पैनी नजर। नमस्कार, और वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। और आज बात करेंगे विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने औद्योगिक नगरी कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की है, तो वहीं उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरुआत की है। अब विपक्ष साफ तौर पर यह जानता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू करने के लिए मुफीद वक्त है, क्योंकि कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष ये भी जानता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि के आगे किस तरीके से टकराना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक बड़े संगठन से 2022 के विधानसभा चुनाव में भिड़ना है, इसकी बात विपक्ष को बखूबी पता है। बिल्कुल, हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीपक बघेल है और वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से जेवा खान और राष्ट्रीय स्वयंदेव पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर भी है। अरुण राजभर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आज विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की औपचारिक शुरुआत कर दी है, ऐसे में छोटे दलों को इग्नोर करना उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आत्मघाती कदम हो सकता है। क्या भूमिका है छोटे दलों की, खासतौर से स्वयंदेव पार्टी की बात करें, क्योंकि आपके पिताजी और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है, क्या 2022 के विधानसभा चुनावों में कितना सार्थक होगा? अरुण जी, झूठ बोलने का ट्रेनिंग 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता 2017 से लेकर के 2021 तक जो उनके जन कल्याणकारी जो बताते हैं कि जो इन्होंने डिलीवर किया है जनता के बीच में, अब जनता कह रही जन कल्याणकारी योजना डिलीवर नहीं हुआ है, जन अत्याचारी योजना डिलीवर हुआ। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से कराह रही है, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, और उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित होने के लिए परेशान है कि हमको सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। आए दिन हत्याएं हो रही, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। 4.5 साल में जो इन्होंने किया है, अब उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको 2022 में उत्तर प्रदेश से हटाने की पूरी तरह बना चुका है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में एक बहुत बड़ा महापंचायत भी बुला लिया है, और उस महापंचायत में तय हो जाएगा कि छोटे पार्टियां उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगी और उत्तर प्रदेश से लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बेदखल करके हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि जो इन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम कानून व्यवस्था अच्छा देंगे, हम उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देंगे, 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात किया था, 4.5 साल का झुंझुना थमा करके आज तक रिपोर्ट नहीं दे पाया कि 4.5 लाख नौकरी में किसको नौकरी दी है, ये अपने रिश्तेदार को दिए है या किसको दिए है? अरुण जी, आपके पुराने साथी हैं, 2017 का विधानसभा चुनाव आपने साथ मिलकर लड़ा था, पुराने साथी हैं आपके, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करते हैं स्वतंत्र देव जी से, समाजवादी पार्टी से बात कर रहे हैं, आखिर स्वयंदेव पार्टी किसके साथ जाएगी 2022 में? जिसके साथ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, वहां से विदाई दिखे जाएगी आपको। 27 अक्टूबर को इसका फैसला हो जाएगा। हमने जो महारैली बुलाया है मऊ में, वहां से भारतीय जनता पार्टी का विदाई का डेट हमने रख दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प ढूंढ रही है, और विकल्प हम देने के लिए हमने डेट भी रख दिया है, और उस डेट की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी से निजात पाएगी, और महंगाई, बेरोजगारी जो बड़े मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था जो बड़े मुद्दे हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में, जो आवास बांट रहे हैं, जो पेंशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, इससे जनता खुश नजर नहीं आ रही है। बिना पैसे में कोई काम नहीं हो रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे, जाति चीन करके। अभी विवेक तिवारी की हत्या जब पुलिस द्वारा हुई थी तो एक सरकारी नौकरी और 40 लाख रुपया दिया गया था, मनीष गुप्ता को 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया सरकार देने की बात कर रही है। उसी जगह पर हत्या गोरखपुर में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, कानपुर में हो रही है, उन्नाव में हो रही है, ये सरकार जाति चीन कर मुआवजा दे रही है। तो ये मुआवजा देने वाली हत्यारी सरकार है, हत्या करो मुआवजा दो, हत्या करो न्याय। अभी लखीमपुर घटना में देखिए, किसानों पर अत्याचार सरकार,
अरुण जी ठीक है, दीपक बघेल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी, उत्तर प्रदेश में समूचे विपक्ष ने आपके खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ दी है, खास तौर से बात करें समाजवादी पार्टी की या फिर उनके चाचा शिवपाल यादव की या अरुण राजभर जी की पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की, कांग्रेस की। अब खासा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 का चुनावी सफर, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कहता हूं कि अरुण राजभर जी को शायद जानकारी नहीं है वो किस समय की बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में अपनी गठबंधन की बात कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर इन्होंने कई सवाल उठाए, सबसे पहले इन्होंने रोजगार के सवाल उठाए। रोजगार में हमने भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख रोजगार नौजवानों को दिए, शायद इनको याद नहीं है। आज ये डिटेल्स मांगते तो चलो आज इनको डिटेल्स भी दे देते किस प्रकार के रोजगार हमने दिए। हमने 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर नियुक्ति दी, हमने 2 करोड़ रोजगार हमने MSME के माध्यम से दिए, हमने 1.43 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्तियां भी की हैं, हमने 9,512 डॉक्टरों की पैरामेडिकल स्टाफों की भी भर्ती की है। ये सब रोजगार के माध्यम से क्या क्या सारी चीजें, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, सुनिए आपको अरुण जी जनता को जिस प्रकार से बरगला रहे ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। जब आप बोल रहे थे तब मैं शांत था और मैं आपकी बातों को सुन रहा था, ठीक है? अभी आपकी बात है, आप मेरी बात है, मेरी बात करने की बात करते हैं, जनता को बरगलाने की बात आप कर रहे हैं। किस प्रकार का प्रदेश चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चीजें होती थी समय समय आने पर? लखीमपुर में प्रदेश में गली रहता था क्या? मैंने भी प्रदेश को देखा, लखीमपुर में बात करने के लिए किसी प्रकार की बात कर ली है? किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही थी? सम्मेलन करने के बाद भी और जब एक ब्राह्मण की वहाँ पे हत्या हो जाती है, निर्ममता के साथ हत्या हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी शांत हो जाती है? आप लोग उनका समर्थन करते हैं? आप अजय मिश्रा के पिताजी को आप अरेस्ट कब कराएंगे? क्या सब मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाएंगे? उसके लिए राशि का अहमद मुख्तार अंसारी होना जरूरी होता है क्या? आप बताओ लखीमपुर में किसानों को न्याय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मंत्री पद पर रह करके आप किसानों को न्याय देना चाहते हो? शायद आप अपडेट नहीं रहते, जनता को क्या देना चाहते हो? अरुण जी आप अपडेट नहीं रहते, अरुण जी आप अपडेट नहीं रहते। पहले आप देखिए पिछड़े अल्पसंख्यक खाली यही टारगेट कर रहे हो आप। आपकी पार्टी का यही भ्रष्टाचार है, आपके संगठन में यही आपको दिखाई दिखता है। किस प्रकार से जब मंत्र वक्ता बोले तो उसके बाद में उसको बात को काटना और अपनी बात को स्थापित करना, ये हमारे साथ जीवा खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पार्टी विचारधारा नहीं है, वामपंथ की विचारधारा है कि एक झूठ को बार बार बोला जाए तो उसको सब साबित करने में लगा जाएगा। हम कहते हैं सत्य हमेशा सत्य रहता है और ये सत्य है। उत्तर प्रदेश बनाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरुआत। अरे केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री, उनका इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? बात बताओ, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चुनावी मोर्चे पर बैठी हुई है। देवा जी, अरुण जी देवा बनाने दीजिए। देवा जी, देवा जी, विजय यात्रा रथ की शुरुआत हो चुकी है समाजवादी पार्टी की और 2017 का विजय रथ यात्रा हमें याद है पूरी तरीके से। इस समय मुफीद समय है, आपको भी लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाकर माहौल बनाने का सबसे अनुकूल समय है? जेवा जी, चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है और हमने अपनी रथ यात्रा अपने मुद्दों पे निकाली है। और सबसे बड़े इस समय उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं किसान का मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा। यात्रा में हम यही संदेश दे रहे हैं कि जनता की जो बदहाली है उस पर जो आगे आने वाली सरकार है, समाजवादी सरकार है, उस पर काम करेगी और जनता को विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। पिछले कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी असफल रही है हर मुद्दे पे। महंगाई के मुद्दे पे उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया है। 400-500 रुपए का सिलेंडर अब 1000 रुपए में इंसान खरीद रहा है और वो आए थे महंगाई के मुद्दे पे। जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आई थी उसी मुद्दे पे उछल रही है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, आय दुगनी छोड़िए, किसान 10 महीनों से सड़क पे अपना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जो सरकार है उसके कहते हैं ना, वो दिल इतना पत्थर का है कि उसको दर्द भी नहीं दिख रहा है कि कितने किसान हमारे मारे जा चुके हैं।
युवा जो है वो पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे 69,000 भर्ती हो, पुरानी भर्तियां ही पूरी नहीं हुई है, आप नई भर्तियों का क्या बात करेंगे। नई भर्ती तो इन्होंने अपने कार्यकाल में ना कोई निकाली और ना उसको पूरा किया, अब ये सिर्फ चुनावी मोड में आ चुके हैं। जब इन्हें मरते हुए किसान नहीं दिख रहे हैं, इन्हें प्रदर्शन करते हुए युवा नहीं दिख रहे हैं, महंगाई से पीड़ित महिलाएं नहीं दिख रही हैं, तो इनसे हम और क्या आशा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का हमेशा से मुद्दा काम रहा है। आपकी जो विजय रथ यात्रा है उसमें उत्तर प्रदेश से तमाम भीड़ जो हुजूम के रूप में आई है, लेकिन आज ही आपके चाचा शिवपाल यादव जी ने भी कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरुआत की है रथ यात्रा की। छोटे दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि शिवपाल सिंह यादव को लेने की जरूरत है, छोटे दलों से बात करने की जरूरत है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी का दल हो या फिर और छोटे दल हो? भारतीय जनता पार्टी की आप विचारधारा समझिए, वो अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाते हैं, इसके अलावा संजय निषाद को MLC बनाकर उनके साथ गठबंधन करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है जो 2022 के विधानसभा चुनावों में? देखिए संजीव जी, जनता बेवकूफ नहीं है जो कि भाजपा समझ रही है। 3 महीने पहले अगर आप निषाद के किसी नेता को MLC बनाते हैं तो ये समझ में आता है कि आचार संहिता लगने जा रही है, वो मंत्री अपने कार्यकाल में क्या काम कर पाएगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो चुनाव से पहले दिया गया है और जनता लॉलीपॉप समझ रही है। ये पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के है नहीं, वो सामने आ चुका है। अगर ये किसानों के होते तो आज भी मंत्री साहब जो अपने पद से हैं गृह मंत्री केंद्र के, वो नहीं होते। तो इनके मुद्दों पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। जहां तक छोटे छोटे दलों की बात है संजीव जी, हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि हमारे छोटे दलों से बात चल रही है और जल्द ही आपको, बहुत ही जल्द आपको सूचना मिलने वाली है कि कितने छोटे दलों के साथ हमारी मीटिंग है और कितनी सीटों पे हम लोग बंटवारा करेंगे। जहां तक बात चाचा जी की करी आपने, देखिए उनका एक सेपरेट दल है, उन्होंने अपना एक दल बनाया है और हर दल को अपना प्रचार करने का हक है। आज हमने रैली निकाली, नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, उन्होंने भी अपनी रैली निकाली। जनता में अपनी बात रखना हर किसी का अधिकार है। बाकी जहां तक बात गठबंधन को लेके है, छोटे दलों को लेके है, वो जल्द ही समाजवादी पार्टी पब्लिक करने वाली है। अरुण जी, आपका दल हमेशा पिछड़ों के लिए लड़ता रहा है, पिछड़ों की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते रहे, आप वकालत करते हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जो बड़ा वोटर बैंक है वो टर्निंग पॉइंट है? और आपकी 2022 के लिए चुनावी रणनीति कुछ डिस्क्लोज करिए, जनता को बताइए आखिर आप सोचते क्या हैं, जनता के लिए आपके पास है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के है नहीं, ये उत्तराखंड से आकर के यहाँ राजनीति करके बेवकूफ बना दिए पिछड़ों को। पिछड़ों के नाम पर राजनीति सरकार बनाई गई, पिछड़ों को आगे करके वोट लिया गया और पिछड़ों को स्टूल पर बैठा करके झुंझुना थमा दिया गया। अब पिछड़े उत्तर प्रदेश के 62% ऐसे हैं जो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। अब यह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, 12 दलों का जो गठजोड़ किया है, उस गठजोड़ के साथ आज के डेट में हमारे पास 52-53% वोट हमने इन अति पिछड़े वर्गों को इकट्ठा कर दिया है, अति दलितों का इकट्ठा कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था इनसे कि हम इनको शुल्क प्रतिपूर्ति देंगे, मैं तो इनसे पूछता हूँ, भाजपा वाले झूठ जो बोलते हैं कि 1 साल में 12-13 लाख पिछड़े वर्ग के बच्चे आवेदन करते हैं छात्रवृत्ति के लिए, वही अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग के बच्चे 7 लाख आवेदन करते हैं, 7 लाख ये 3,000 करोड़ रुपया देते हैं, वही जो है 12 लाख बच्चों को ये 557 करोड़ रुपया देते हैं। हम तो 3,000 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, कि उनको भी छात्रवृत्ति दो ताकि उनके बच्चे बीटेक, एमटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कर सके, वो भी आगे बढ़ सके। सरकार का शिक्षा पर ध्यान नहीं है। हम रोजगार के अवसर जो हम कह रहे थे कि हम तकनीकी शिक्षा जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा जनता के बीच में दिया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण हो और रोजगार भटकने के लिए पूर्वांचल से बाहर पलायन करने की जरूरत ना पड़े। अब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा भाजपा को कौशल विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया गया। अरुण जी देखिए झूठ बोलते हैं, ये कागज पर सब कुछ बांटते हैं। मुख्यमंत्री जी अनपढ़ गवार एकदम आदमी है, इनको मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अधिकारी पढ़कर के लिख करके दे देते हैं, वो आदमी पढ़ देता है और जनता के सामने कह देता है वाहवाही हो रही है 4.5 लाख नौकरी दे दिया। हम तो कह रहे हैं कि दे दो ना अखबार में विज्ञापन के, तो माहिर आप हो, आप इंटरव्यू में बहुत माहिर ज्ञान बांटते हो, तो विज्ञापन में छाप दो
कि हमने इतने पाल को, इतने राजभर को, इतने चौहान को, इतने प्रजापति को, इतने कुशवाहा को, इतने शाक्य को, इतने बिंद को, इतने केवट को, इतने अर्कवंशी को, इतने बंजारा को हमने नौकरी दिया। 75 जिले है, उठाकर देख लीजिए कितने SP है पिछड़े वर्ग के, कितने दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के अधिकारी है। उठा करके जब देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर नजर आएंगे, ब्राह्मण नजर आएंगे। सरकार ब्राह्मण ठाकुर के लिए बनाया गया था, पिछड़े वर्गों को भी अधिकार देने के लिए बनाया गया था। पिछड़े वर्ग के लिए खाली झुंझुना वोट दिलाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ वोट दिलाने वाली फैक्ट्री नहीं, अब लोडर के साथ उत्तर प्रदेश का पिछड़ा नहीं रहेगा, लीडर के साथ रहेगा। और लीडर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का लीडर तैयार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी हटाएगा और सरकार भी हटाएगा। 14 साल बनवास काट के आए थे, श्लोक को इग्नोर किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसके अलावा जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, कौशल विकास के माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया गया है, मानने को तैयार नहीं है। अरुण राजभर, बताइए इनको किस विभाग से कितना रोजगार मिला है? सर, प्रथम तो इनकी बौखलाहट ही सिद्ध करती है कि ये बौखलाहट से इनके पता पड़ता है कि इनको किस प्रकार का प्रदेश चाहिए। एक चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब सारा विपक्ष एक हजार सुनिए राजभर जी, आप सुन लीजिए, सुनने की भी आदत डालिए। मैं जाकर टट्टी कर रहा हूं, सुनिए, मैं आपका बात सुनने नहीं आया। सर, प्रथम आप एक बात स्पष्ट कर लीजिए, मैं आपको भी टंकी नहीं बना पाया, आपको भरगलाने दूंगा, जिस प्रकार भी नहीं लगा पाया है। आवाज दिया है, 50,000 ले लिया है आवाज का, चंदा के नाम पर। अखबार उठाकर देखो आज का, 30,000 रुपया कमीशन हर आवाज के पीछे सरकारी लगा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके CDO हो, चाहे BDO हो, सब घुसखोरी पर लगते हुए हैं। कितने पाल बिरादरी के दरोगा है आप बताओ, अपने बिरादरी के बारे में कितने दरोगा है, कितने SDM है, कितने SO है, कितने CO है, कितने DM है, आप बता दो। खाली बैठ के डफली कहना है कि उत्तर प्रदेश से जातिवाद की जो व्यवस्था है वो राजनीति में खत्म करनी है, और आप जातिवाद क्षेत्र के नाम पर कभी किसी को नाम तो पहले ये बदलता है, करने का मौका मिलता था वो बंद हो गया। जैसे ही पार्टी सरकारें बनती थी सबसे पहले अपना घर बनाने उससे दिक्कतें आ रही है। मंदिर से झुंडे राज हुआ करता था, दूसरे दिन कब्जे करने की खबर आती है, फला आदमी के कब्जा हो गया, आज उनसे कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश हो जाती थी, संदीप जी आपने की लगता है आज जो विजय रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश के लोग इस रथ यात्रा का इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव कब निभाएंगे। आखिरकार अब अखिलेश जी ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, क्या आपको लगता है कि ये रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव की साक्षी बनेगी? देखिए संजीव जी, ये रथ यात्रा और पहले निकलती, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 1.5 सालों से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे हम लोग कोरोना का, जिसके चलते हमारी पार्टी ने भी फॉलो किया और हम लोगों ने अपने काफी कार्यक्रम भी स्थगित किए। ये रथ यात्रा हमेशा एक बदलाव लेके आई है और बहुत ज्यादा मदद हमारी इसमें दीपक जी की पार्टी करेगी, क्योंकि हमें जनता को ये नहीं बताना है कि जनता परेशान है, जनता असल में परेशान है और दीपक जी की पार्टी भाजपा जो है वो हमें फुल समर्थन दे रही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अत्याचार कर रही है जनता पे कि जनता अपने आप एक उम्मीद के साथ माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। संजीव जी आप भी गवाह है, पूरा मीडिया गवाह है,
कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी यात्राएं निकाली, इनके भाजपा के सांसद विधायक गांव-गांव जाना शुरू किए। आपने भी देखा उनका स्वागत कैसे हुआ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किस प्रकार से आज कानपुर में हुआ। तो ये स्वागत जो है वो ही बता रहा है कि जनता अखिलेश जी को चाह रही है कि योगी जी को चाह रही है। बिल्कुल साफ है कि आप समझिए 2022 के विधानसभा चुनावों में आपकी लड़ाई आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है जो पूरी तरह जनता में स्वीकार्य है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की छवि सुधरी है। आप समझिए कि बंगाल से उनकी डिमांड आती है, बिहार से उनकी डिमांड आती है, दूसरे राज्यों से उनकी लगातार मांग आती है। तो जब उनके गृह राज्य में, जब उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें होंगी आपके लिए, विपक्ष के लिए। अरुण जी, जेवा जी, देखिए संजीव जी, कोई मुश्किल नहीं होगी। एक बात बताऊं संजीव जी, लड़ाई अगर मुश्किल ना हो तो लड़ाई लड़ने का मजा नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं, मोदी जी का चेहरा अगर आप बात करेंगे तो ये भी दुनिया देख रही है, ये भी उत्तर प्रदेश के किसान देख रहे हैं कि 10 दिनों में मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, 9 किसान मर गए, 8 किसान मर गए, तो ये भी जनता देख रही है। वो मोदी का जो चेहरा है वो असली चेहरा सामने आ गया है। जहां बात योगी आदित्यनाथ जी की है तो आप गोरखपुर से शुरुआत कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, वहां नाव से लोग चल रहे हैं, बाढ़ आ चुकी है, कोई विकास नहीं हुआ, मेट्रो नहीं पहुंची वहां तक, स्मार्ट सिटी नहीं बना गोरखपुर। तो जो अपना संसदीय क्षेत्र नहीं सही कर सकता वो उत्तर प्रदेश क्या सही करेगा। तो चेहरों पे वोट एक बार दे के जनता ने देख लिया है, अब चेहरों की राजनीति खत्म हो गई है, काम की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी और 2022 में समाजवादी सरकार अपनी सरकार बनाएगी। अरुण जी, अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपके साथ ओवैसी जी हैं, इसके अलावा तमाम छोटे छोटे दल हैं, लेकिन ये बताइए कि आपकी जो सुहेलदेव पार्टी है उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सुहेलदेव पार्टी के कैंडिडेट जीत सकते हैं, कितनी विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पर आप अपने प्रत्याशी उतारने की मंशा रखते हैं, कितना एजेंडा कुछ तो तय किया होगा आपने? देखिए सारे एजेंडे साफ हो गए, सब एजेंडे क्लियर हो गए। 403 विधानसभा सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा और 27 अक्टूबर को हमारे गठबंधन का ऐलान होने जा रहा है। बात कर रहा हूँ 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में, अगर हमने मऊ में ही गठबंधन करके भाजपा की सरकार बनाया था तो मऊ में ही हम गठबंधन करके सरकार को उलाट फेंकने के लिए हमने रखा है डेट, और 27 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, हमारे कितने प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और हमारा क्या एजेंडा है। हम 27 अक्टूबर को ही घोषणा करने का डेट रखे हैं। जहां तक मोदी जी का आपने कहा कि मोदी जी के चेहरे पर आएंगे, यह शौचालय बांटे हैं ना, उसी पर वोट मांगेंगे, जो इन्होंने आवाज बांटा है उसी पर ये वोट मांगेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी, मैं देखता हूँ किसी क्रिकेटर का अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो वो तुरंत ट्वीट कर देते हैं कि हम सहानुभूति, ये असंवेदनशील, ये संवेदनशील प्रधानमंत्री नहीं है। अरुण जी, आप सजातीय भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपके ही सजातीय भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं तो आखिरकार राजभर समाज उनको स्वीकार क्यों करेगा, एक बात। और दूसरी बात उनका कहना, दूसरा उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज पर आपकी पकड़ ढीली हुई है, इसलिए आप इधर उधर भाग रहे हैं। ये काली जितने जितने लोडर लोगों को पैदा की है भाजपा, इनको किसी गांव में देख रहे, जाते हुए जा रहे तो लात खा के लौट रहे हैं, इनको गाड़ी दे करके लोग भगा रहे हैं। अब वीडियो देखिए ना, एक भी विधायक सांसद मंत्री गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। और जहां तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान विदेशी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, मूल निवासी है, और मूल निवासी जिस देश में रहता हो अगर बाबा साहब ने उसको वोट का अधिकार दिया है तो उसी वोट को लेने के लिए क्या मोदी जी नहीं परेशान है, क्या योगी जी को वोट नहीं चाहिए? अगर वोट नहीं चाहिए तो वोटर लिस्ट से नाम कटवा दे सभी मुसलमानों का, है हिम्मत? ये अत्याचारी लोग हैं, इनको सिर्फ नफरत धर्म से, हिंदू से, मजहब से, इनसे नफरत कराओ खाली। हमें उस लड़ाई से नहीं लड़ना है, हमारा लड़ाई साफ साफ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश में देश में जातिगत जनगणना हो चाहे ना हो, अगर भाई पिछड़े के हितैषी या पिछड़ों के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ करा दे पिछड़ों की जनगणना और साथ में आ जाएंगे। 62% पिछड़ा सामने आ जाएगा और ये 15% 12% 18% वाले करी बिछाने का काम करेंगे और 62% शासक बन जाएगा। इस दिन आते तो जातिगत जनगणना करा रहा है, करा ले जातिगत जनगणना, पिछड़ों की जाति वाले। अरुण जी आपका भी धन्यवाद, देवा जी आपका धन्यवाद।
दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में विपक्ष पूरी ताकत और एकता के साथ उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ सामने होंगे, नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास कार्य होंगे और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ सरकार की है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी होगी। अब देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हिस्से आती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।